तो मिराज भाई जो है एक बहुत कूल मैन डायरेक्टर हैं और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सैयद सरकारी फिल्म का मैंने शूटिंग किया इनके साथ और पूरी टीम ने, जो हमारी हीरोइन है डिम्पल सिंह, डिम्पल एक बहुत अच्छी अभिनेत्री है, बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उन्होंने अच्छा किया। तो एज ए डायरेक्टर इन्होंने सबको जो बैलेंस में काम करा है, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी फिल्में बना चुके हैं हम, नए कलाकार के तौर पर इनके साथ हुए अच्छा। क्या बाकी संजोग जो बोला तो सब हमारे को बनते थे नहीं, ये सारा श्रेय वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स को जाता है रत्नाकर सर को, कि जो हम लोग मिल के सारा चीज़ ये साथ में किए हैं, तो ये सारा श्रेय रत्नाकर सर को जाता है, सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। चर्चा हुई बता ना, पहले तो पूरा शूटिंग को लोग ये जान ला कि हम अपने मेहरानी से दिन में बतिया होते हैं। हाँ मतलब मैं मोबाइल पर थोड़ा, जैसे आपको ये बात पता है कि मैं सारी जिम्मेदारी खुद संभालता हूँ, तो मेरा क्या रहता है कि जैसे अब ऑन सेट पे काम किया, काम खत्म करने के बाद अच्छा हाँ यहाँ फ़ोन करना है, अच्छा वहाँ करना है, अच्छा वहाँ गाने का है, वहाँ मेल भेजना है, वहाँ ये सब चीज़ें को जिम्मेदारियाँ भरी रहती है। तो उस पर थोड़ा इस बार जो इनको राकेश मिश्रा दिखा है, तो खुद मिराज जी बोले कि मुझे एक राकेश मिश्रा व्यस्त राकेश मिश्रा दिख रहा है और वो अपने आप में व्यस्त है, मतलब उसके अंदर एक ललक है कि कितना अच्छा करूँ, क्या करूँ, क्या आगे चलूँ। तो मैंने बोला कि सर अच्छा है, मैं खुद में कुछ बिजी तो रहता हूँ, नहीं तो असम हमारे राशि में बाकी हम कर ही ले कुछ ना, हर जगह हमने नाम आ जाए, तो जितना के नाम ना उतना के बदनामी हमारे हो जिले भाई अगर सबसे धीरे धीरे मन अच्छी होता। बट एक्सपीरियंस अच्छा रहा और नो डाउट डिम्पल ने बहुत सपोर्ट किया, सब ने सपोर्ट किया, जो बी एन राय अपना जो डॉक्टर साहब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वर्ल्ड वाइड कंपनी का तो है ही छत्र छाया, वर्ल्ड वाइड का मतलब ये होता है वर्ल्ड पे राज करने वाले, रत्नाकर सर ऐसे भी आजकल वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं सारे भाषा में कंपनी चला रही है, तो सबका सपोर्ट है और प्यारा सीवा है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा, मैं मिराज खान, और राकेश जी के साथ मैंने पहले तो बहुत सुना था कि राकेश जी ऐसे वैसे, लेकिन इनके साथ काम करके लगा कि नहीं, इनको इंडस्ट्री में रहने का हक है। जो लोग बहुत सारी बातें मैंने सुना कि हाँ ये राकेश जी ऐसे वैसे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये इतने अच्छे इंसान को लोग क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हमारे साथ काम किए इतना अच्छा, मतलब एक जब बोलूँ हाँ सर खड़े हैं तुरंत, कि कोई भी ये देना है तो नहीं सर और अच्छा करते हैं और अच्छा करते हैं, मतलब एक लगन जो होती है ना वो चीज़ देखने मिला। और साथ में हीरोइन डिम्पल सिंह, उन्होंने भी सपोर्ट किया, बी एम राय जी हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया, उनके बैनर तले फिल्म बन रही है सुरभि माधव एंटरटेनमेंट, जो इसके पीछे दिल धक धक करे अभी रिलीज हुआ है, वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट कर रही है इस फिल्म के रत्नाकर सर का सारा चीज़ है। तो कुल मिला के मुझे राकेश जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, मुझे कि ऐसा लगा नहीं कि हाँ हम फर्स्ट बार काम कर रहे हैं, एक भाई वाला सिस्टम कि बस भाई तो भाई, हाँ ये करना है ऐसे करना है ऐसे करना है, तो मिलजुल के हम लोग हंसते खेलते पूरी फिल्म कर ले गए। क्या क्या बोलना है वो छोड़िए, लोग समझ गए होंगे, ये दर्शक समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगा ऐसा कि नहीं ऐसे इंसान नहीं है ये दिल के इतने अच्छे इतने साफ। और अब क्या कहा जाए, मैं बोलूँगा तो लोग बोलेंगे कि अरे लगता है कि साथ में फिल्म किया है तो इसीलिए ऐसे बोल रहा है, क्या ये भी बात होता है ना, तो ज़्यादा बोलना भी वो मिराज भाई ने बताया नहीं, मिराज भाई पूछ रहे थे कि क्या है प्रोडक्शन का आजकल, कुछ खाते तो नहीं है आप, पहले हीरो हैं जो अब आप पे खर्चे नहीं है, वही 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 फल फ्रूट अपना खाना पीना अपना ही किचन लेके चलते हैं बनाते खाते हैं, इसलिए हमारे डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन का आजकल हीरो खर्चा नहीं कर रहा है। नहीं प्रोडक्शन और दिल के भी अच्छे इंसान हैं, मेहनत में कहीं कमी नहीं, हम बोले हाँ सुबह 7 बजे, हाँ 7 बजे आके रेडी हैं, हाँ ठीक है चलिए क्या करना है कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें। और प्रोड्यूसर का बचत कि कहाँ से हो रहा है, अभी एक ही लोग 7 बजे कॉल टाइम दिया जाता है और वो आते हैं 9 बजे कभी आए या 8 बजे आए, तो 2-3 घंटा लॉस हो रहा है, इनका कहने का मतलब नहीं कि प्रोड्यूसर अगर जिंदा है तो फिर सारे लोग हैं, तो वो चीज़ देखते हुए चलते हैं, तो यह चीज़ अच्छा लगा मुझे, उसके लिए कोई टेंशन ही नहीं होता था, वो बतियाना नहीं शॉर्ट खत्म नहीं बतियाना, उसके बाद जो हो रहा है शिफ्टिंग हो रहा है, लाइट शिफ्टिंग हो रहा है, अपने काम में बिजी है, हम लोग के सेट पे क्या होता है कि 1 घंटा काम है, तो अब वो 1 घंटा राकेश मिश्रा बैठ के मस्ती नहीं कर रहे हैं, अब वो 1 घंटा अपने वर्क पे अपने आप में बिजी है। अच्छा मुझे आपसे बात करना है, राम जी क्या न्यूज है, कैसे क्या करना है, तो हम कहीं ना कहीं अपने सारे चीजों पे ही लगे हैं। इसके पीछे 2 रीजन है, पहला रीजन कि हम एक्टर हैं, एक प्रोड्यूसर
ऑलरेडी सेट पे 50-60 लोगों में बिजी रहते हैं। हम रोज़ उनसे उम्मीद करें कि वो 9 बजे हमको ठीक, हम दिन भर काम करते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, वो 9 बजे हमको सामान पहुंचवा देंगे, प्रोडक्शन पहुंचा देगा, और किसी दिन वो मिस कर गए। और मान लीजिए कि अगर मेरे जो खर्चा मेरे पे 10-20 हज़ार होगा उसको बचाने से एक दिन का काम अच्छा हो जाएगा, एक शॉट अच्छा लग जाएगा, एक अच्छा कैमरामैन को पेमेंट दिला जाएगा, तो मेरे अगर इतना नहीं लेने से सिनेमा के लिए अच्छा होता है तो वो जरूरी है या मुझे वहाँ फुटेज दिखाना जरूरी है? सिनेमा जरूर अच्छा, क्या हो जाएगा, मैं जितना लेता हूँ उसमें से 20 हज़ार और सही। और कभी मुझे तो पता ही नहीं चला कि हाँ राकेश जी को ये खाना है तो ये देना है तो वो देना है, हमें पता ही नहीं चला। ये बोले ये हाँ ठीक है, हम ठीक है, कोई टेंशन मत लीजिए आप, बस काम अच्छा होना चाहिए, हम बस कहते उधर फोकस। हम कहते हैं कि जिनको प्रोडक्शन का खाना नहीं खाना है रूम में आ जाइए, सब्जी बना हुआ है, देखा भाई ये एक्स्ट्रा कोनो हम बारात उरात लाने के चले, लेकिन हमारे छोटी छोटी बर्तन सर्तन रहला सब लोग लेके चलते हैं, राकेश मिश्रा ही नहीं लेके चलते हैं, ये लगभग लगभग सारे एक्टर जिनको सेफ रहना है, सेफ्टी रहना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए सर हम कलाकार हैं, हमको खाने पीने पर नहीं ध्यान रखेंगे तो सब कुछ इसी पे है, तो कहीं ना कहीं सभी लेके चल रहा, लेकिन हमारे तरी चर्चा में आ गया है जब हम साथ वो लोग लेके चल रहा था, अपन मानी कि हम सॉरी कि हम बुरो मान जी, माफ़ी चाहते नहीं भाई, हाथ जुड़ गए, मान ली सभी लेके चल रहा था, अपन अपन मंगावे ला प्रोड्यूसर से कि भाई हरिहर मिर्चा तू ही दो, लेकिन हमारे थोड़ा सिद्धांत क्या कि हम अपन लेके चल दें तब अपने हिसाब से। नहीं नहीं ये चीज़ तो अब किसी से कुछ लेना देना, मैं बोला ना कि मुझे प्रोडक्शन हाउस में काम करना है, मुझे सिनेमा करना है चीज़ है, यहाँ हर कोई कंपटीशन में अपना अपना नाम करने आया है। अगर राकेश मिश्रा का शिकायत दूसरे हीरो के गार्जियन नहीं करेंगे, अब खुल के बोल रहा हूँ, मुझे ये सब कुछ पता है, जितने हीरो के गार्जियन घूम रहे हैं मेरे तो गार्जियन मेरे साथ आए नहीं, तो मैं अकेला लड़का हूँ। अब मैं रोज़ सुबह उठ के मुझे गाना भी गाना है, स्टेज प्रोग्राम भी करना है, एथी भी करना है, तो मैं रोज़ तो आपको सफाई देने जाऊँगा नहीं। तो जब राकेश मिश्रा आए, राकेश मिश्रा का माहौल बना, तो उसको बिगाड़ने के लिए एक रणनीति बनी, या ओपनली बोल रहा हूँ मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बहुत मेरे अंदर बैठा हुआ है, इस इंडस्ट्री में एक प्लान बना कि राकेश मिश्रा को कैसे रोका जाए, राकेश मिश्रा को कैसे छवि खराब किया जाए, लोगों एक नहीं 100 बार किए, लेकिन सर न इस धरती का इतिहास खराब है, न यहाँ का पुराण खराब है, न गीता खराब है, न रामायण खराब है, न कुरान खराब है, कुछ भी खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि कहने वाले ने ऐसे नहीं कहा था आज बीते कई 100 वर्षों तक कि सत्य को घेर सकते हो बट सत्य को मिटा नहीं सकते हो। राकेश मिश्रा के बारे में जितने लोग अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कि राकेश मिश्रा कंपटीटर है पहले इनको काटो, तो राकेश मिश्रा को काटने के लिए क्या बोला गया, राकेश मिश्रा तो पी के सो जाता है, राकेश मिश्रा तो टाइम पे नहीं आता है, राकेश मिश्रा तो नीचे गिर जाता है, राकेश मिश्रा तो एक्टिंग नहीं करता है। अरे भाई आप कौन से सोना के बने हो, बड़ा अच्छा करते हो तो दिखता नहीं है क्या? वो चीज तो मैं एक ही बात में बोल दिया तो ना, फिर आप क्यों भूमिका बना के इतना दौड़ रहे हो? हाँ हाँ अरे बहुत चीज, लेकिन मुझे नहीं लगा ना कि मुझे लगा नहीं, मैं क्या बोला तो ये लगा, मैं बोला कि राकेश मिश्रा पे इन लोगों ने धारा लगा दिया, ठीक ना, राकेश मिश्रा पे ये तो है ही साथ में, मैं आज तक कभी नहीं बोला था, लेकिन आज जब ऐसी एक डायरेक्टर है इन्होंने बोला कि इतनी बात इनके पास आई, राकेश मिश्रा पे एक धारा लगा दिया, जैसे कि अब राकेश मिश्रा हीरो नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन जाएगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब पता नहीं राकेश मिश्रा किस तरह का खेत काटे थे, किसको नुकसान कर दिए थे, आज तक आप खुद ही हमसे पूछते हैं कि भैया आपको किसी से मतलब ही नहीं होता है। हम आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी विवाद हुई है, कितने लोग गंगा जी के धोए हैं, कितने लोग क्या किए हैं, सब कुछ पता है सबको, बट आज तक किसी विवाद में राकेश मिश्रा ने बोला है नहीं बोला। मैं हमेशा इस बात से बोलता हूँ कि भाई कोई भी कलाकार का कुछ भी प्रॉब्लम हो आप किसी को गाली मत दीजिए, क्योंकि बनाए आप ही है, कलाकार आप ही का है। सही बात है, हमारे सारे इंडस्ट्री के जितने हीरो हैं वो हमसे बड़े हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, जो छोटे हैं वो प्यारे भाई हैं, ये मैं सोचता हूँ या मैं सोचता था, लेकिन ये इंडस्ट्री गणित पे चलती है, तो राकेश मिश्रा के घेराव गणित से हुआ, आप काम से कैसे हमको घेर लेंगे, आइए ना साथे हारमोनियम लेके बैठ के गाइए ना, समझ में आ जाएगा, काम से नहीं घेरेंगे आप। हाँ अब मान लीजिए कि अब राकेश मिश्रा का नहीं गार्जियन है तो वो घूम घूम के नहीं कह रहे हैं कि भाई फलाना राकेश मेहनत कर रहा है, और आप गार्जियन है तो आप जाके कह रहे हैं राकेश तो पी के सोया हुआ है, सब अफवाह है, वो सब बोलने वाली बात है, बाकी है भाई इतना भी अफवाह क्यों, इतना जलनशीलता क्यों,
और इतना जल के आप क्या कर लिए, आपने तो सारा उपाय लगा लिया। आप बोल रहे हैं कि आप इनका इनका नाम क्यों लेते हैं, लेकिन इसी मार्केट में अच्छे लोग हैं ना। आज कुछ ऐसे गार्जियन है जिनका सपोर्ट है और रहेगा, और आज राकेश मिश्रा यही है जिसको हटाने के लिए आपने सारा गणित रच लिया। गणित उनका से बड़ा गणित के होकर रचयिता बा सब ऊपर वाले जो। अरे आप राकेश मिश्रा को बदनाम करके 10 को ज्यादा फिल्म कर लिए, जो राकेश मिश्रा के पास काम आने वाला था वो आपके पास चला गया। देखिए डिंपल सिंह के बारे में एक ही लाइन मेरे पास है कि एक तो वो ठेठ भोजपुरी बोलती है। अगर भोजपुरी सिनेमा है तो आप बोलते हो कि भोजपुरी भाषा ठेठ बोलती है। दूसरा चीज़ कि एज ए परफॉर्मर वो खतरनाक है, उसका डांस वांस तो भाई मतलब उसके तो खुद ही मिलियन मिलियन व्यूअर्स है, तो कहीं ना कहीं उसके पब्लिक दीवानी है। सिर्फ उनको अच्छी अच्छी फिल्में करनी चाहिए और एज ए एक्ट्रेस वो बहुत अच्छी हैं, उनको थोड़ा अपने पर मेहनत करना चाहिए, जैसे हम लोग आज भी मेहनत करते हैं और कल भी करेंगे। अब जैसे मिराज सर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, जो इन्होंने चीज़ें लाई हैं, वो अपने आप में एक अलग बात है। मिराज जी कैसे चयन हुआ डिंपल जी के एज ए हीरोइन, आपने कैसे? परफॉर्मर अच्छे हैं और हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो था वो फिट बैठ रहे थे, तो इसलिए चयन किया गया। बाकी राकेश जी बोले कि नहीं अच्छे एक्टर हैं और ये सारी चीज़, तो सब लोग ने कहा तो उस हिसाब से फिर चयन किया गया। तो राकेश मिश्रा जी का सुझाव था कि डिंपल को हीरोइन बनाया जाए। इन्होंने बोला था एक्ट्रेस अच्छी हैं और बाकी यह कह लू कि यह हमारा राशि में सबसे खराब है, जो ना चीज में हम नहीं जुड़ल वो में हमारे बदले नहीं। अब फिर आप एडवाइस नहीं दे सकते, इनको एडवाइस दिए विजय यादव जी। आप फंसा कौन राकेश मिश्रा? नहीं आप भी एडवाइस दिए कि अच्छी एक्ट्रेस। हम एडवाइस कब दिए पहले बात समझिए, बाद में जब आप लोग फाइनल कर लिए साइनिंग दे दिए, समर्थन किए, समर्थन किए हम। अरे तो समर्थन किए ना, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को आप जब साइन कर लेंगे बोलेंगे हमने दे दिया पैसा भैया ये हमारी हीरोइन है, तो भाई गुड। नहीं नहीं हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने पहले फाइनल किया था, मैं बोला ना, लेकिन इन्होंने बोला एक्चुअली मैंने काम नहीं किया ना उनके साथ, इनके बारे में जानता हूँ, उनके बारे में डीपली मैं नहीं जानता। सुनिए 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 वेरी गुड, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उनके साथ काम नहीं किया, इनको मैं जानता हूँ क्योंकि कुछ दिन से हम लोगों की बात हो रही है, सब कुछ हो रही है, तो मुझे डीपली पता नहीं है ना कि डांस तो देखा है मैंने, एक्टिंग नहीं देखा है। इन्होंने बोला परफॉर्मर अच्छी है, एक्टर अच्छी है, मैंने बोला ठीक है, मुझे पता तो चला ना, नहीं तो खाली आदमी डांस ही देखा है ना। बढ़िया बा बढ़िया बा। प्लैनेट भोजपुरी।